नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्रीराम मैथ्स पर। देखिए, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं आज। कल हमने एपी के एनवे पद का फॉर्मूला देखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी के आगे आज हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एपी दे रखी है हमें 3, 15, 27 का कौन सा पद 639 है, हमें बताना है कि इसका जो कौन सा पद है वो 639 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, जो हमें प्रथम पद है ए, वो कितना है हमारा 3, जो सबसे पहले लिखा होता है वही हमारा प्रथम पद होता है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3। जो सार्व अंतर है डी, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम क्या करते हैं माइनस, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, पूछा गया हमसे कौन सा पद 639 है, मतलब हमें एन की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है निकालनी है। तो देखें यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 639, जो सबके लास्ट में इस एपी में जो पद लिखा है वो कौन सा है 639। तो यही पूछा है कि 639 जो है वो इस एपी का कौन सा पद है, मतलब ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 639। तो रखो सारी वैल्यूज यहाँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हो गई 639, ए जो प्रथम पद है वो हो गया 3, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो प्लस का 3 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का होगा, तो 639 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 12। तो 639 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 636 एन माइनस 1 इंटू 12। तो देखो, जो 12 है वो n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। यदि कोई संख्या प्लस में होती है तो वो माइनस में जाती है, माइनस की होगी तो वो प्लस में जाएगी। इसी प्रकार यदि गुणा में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे वो भाग में जाएगी, और यदि भाग में है और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो गुणा में जाती है। ये वाली संख्या इसके गुणा में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किस में आएगी, भाग में आएगी। मतलब जो n माइनस 1 की वैल्यू है वो हो जाएगी 636, और ये 12 जो है इसके भाग में जाएगा। तो 12 करो डिवाइड, तो 12 5 60 और 12 3 36, मतलब n माइनस 1 की जो वैल्यू है 53 है, तो माइनस का 1 वो दूसरी तरफ प्लस में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 54। मतलब इस एपी का जो 54वां पद है वो क्या होगा 639, 54वां पद 639 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इस साइड लिखा है 7, 13, 19, इस तरह एपी जा रही है, और 205 में जो पदों की संख्या है वो हमें बतानी है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, केवल संख्याएं क्या हैं चेंज है। क्या क्या दिया है हमें, देखो प्रथम पद का मान भी हमें पता है कितना 7, जो ए होता है कितनी है इसकी वैल्यू 7। सार्व अंतर जो डी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7, मतलब 6। ठीक है, ऐसे ही ए एन हमें दे रखा है कितना 205। निकालना क्या है हमें, पदों की संख्या, मतलब एन की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो वही एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखिए, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी 6। तो ये प्लस का 7 इस साइड लाएंगे माइनस में आएगा, और 205 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 198, और एन माइनस 1 इंटू कितना 6, 6 को हम डिवाइड करेंगे इस साइड आएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 198 और डिवाइड बाई 6,
सिक्स से कैंसिल आउट हो गए 33। तो माइनस का 1 उस साइड प्लस में जाएगा, तो 33 प्लस 1 तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। मतलब जो हमें श्रेणी दे रखी है इसका जो 34वां पद होगा वो कितना होगा, 205। मतलब AP का 34वां पद 205 होगा। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का तीसरा पद हमें दिया हुआ है 12 है, तथा उसी एपी का 50वां पद कितना है 106। तो हमें 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, एपी का एनवां पद बताओ क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अब हमें दिया हुआ है कि जो तीसरा पद है वो कितना है, 12 है। तीसरा पद मतलब ए थ्री, वो हमें कितना दे रहा है, 12। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, यदि हमें तीसरा पद निकालना है तो n की जगह रखेंगे हम 3, तो ए थ्री बराबर ए प्लस तीसरा पद मतलब n का मान 3 माइनस 1 और b, और ए थ्री का मान कितना है, 12। मतलब 12 बराबर हो गया a प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2b। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरा रिलेशन दे रखा है कि उसका 50वां पद कितना है, 106। पचासवां पद है 106। ठीक है, तो यहाँ n का मान 50 रखेंगे तो a 50 बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 106। तो 106 बराबर हो जाएगा a प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 इंटू डी। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो देखो क्या करो आप, यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखो इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो जब हम घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो अकेला d बचेगा, वहाँ से d का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो आप समीकरण 2 लिख लो, क्या थी, 106 बराबर a प्लस 49 डी। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसके बराबर आगे लिख सकते हो इस प्रकार कि 106 है, और समीकरण 1 क्या है हमारी, a प्लस 2d, ये बराबर है किसके, 12 के। तो देखो इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो ए और ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 49d में से हमें माइनस करना है 2d, ये वाला साइन नहीं है क्योंकि हमने चिन्ह चेंज कर दिए हैं। तो 49d में से 2d यदि हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 47d। इधर देखिए 106 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 94। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 47 जो d के गुणा में है ये दूसरी साइड किस में जाएगा, भाग में जाएगा, मतलब जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 94 और अपॉन में कितना आएगा, 47। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। तो d का मान तो 2 आ गया, अब हमें मान निकालना है किसका, 1 का। तो उसके लिए क्या करो आप, जो d की वैल्यू है वो या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रख सकते हैं हम। तो देखो बिल्कुल जो इजी, जो कम कैलकुलेशन होगी वो समीकरण 1 में से होगी हमारी। तो d बराबर जो 2 है वो आप समीकरण 1 में रख दो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर,
तो देखो समीकरण एक में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, यह 12 है, a प्लस 2 और d की जगह कितना 2, तो यह जाएगा 12 a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 12 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना देगा 8, मतलब उस ap का पहला पद जो है a है वो कितना है 8 है। अब हमें पूछा है कि उस ap का 29वां पद बताइए, तो AP का 29वां पद हमें निकालना है, तो AP का n-वां पद का फॉर्मूला लिख लो आप पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, हमें निकालना है 29वां पद, मतलब n का मान हो गया 29, जो पहला पद है वो कितना है हमारा 8, प्लस 29वां पद निकालना है तो 29 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारा 2, तो a 29 बराबर होगा 8 प्लस 29 में से एक माइनस करेंगे तो 28 और गुणा कितना 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 और 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64, तो ए 29 का मान कितना आया 64, मतलब उस एपी का जो 29वां पद है वो कितना है 64, 64 है, ठीक है। तो जो नोट करना चाहिए नोट कर सकते हो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जल्दी से आप उतार लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या 3, 7, 11 का एक पद 184 है, ये एपी दे रखी है हमें, तो क्वेश्चन ने पूछा है क्या एपी 3, 7, 11 का एक पद 184 है, हमें चेक करना है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये एक एपी दे रखी है तो इसमें आगे जाके कहीं 184 आएगा या नहीं इस बात का हमें पता करना है। तो देखिए एपी का जो एनवा पद है ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, तो यहाँ से देखिए जो प्रथम पद है ए उसकी वैल्यू कितनी 3, जो सार्व अंतर है डी वो हो जाएगा अपना 7 माइनस 3, मतलब कितना 4, ठीक है। तो आप ये मान लो कि इस एपी का जो आगे जाके यदि मान लो कि ये आता है 184 इस एपी में, तो वो ये एनवा पद है, तो ए एन कितना हो गया 184, तो हमें एन का मान यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ए एन का मान 184 है, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकालनी है हमें एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 184 है, ये 3 इधर प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस में, तो 184 माइनस 3 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, तो 184 में से 3 जब माइनस करेंगे तो आएगा 181 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ से देखिए n माइनस 1 ये 4 गुणा में है, इधर आएगा किस में भाग में, तो 181 और बटे में कितना 4, तो देखिए n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो माइनस का एक उधर किस में जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस 181 बटे 4, सोल्व करेंगे तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 181 में जोड़ेंगे तो 185 और बटे में कितना आएगा 4, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 4 चौक 16 2 बच गए, फिर 4 छः 24 1 बच गया 46 सही 1/4, ये आया n का मान। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पर n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या, तो पद तो पूरे पूरे होते हैं, जैसे 2 पद होंगे, 5 पद होंगे या 10 पद होंगे, 100 पद होंगे, 1000 पद होंगे, लेकिन जो पद होगा वो पूरा पूरा होगा, पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी पूरी पूरी होगी, ऐसा थोड़ी होगा कि एपी में 13.5 पद हैं या 20.5 पद हैं या 43.4 पद हैं, तो पदों की संख्या दशमलव में या पॉइंट में नहीं आएगी, वो एक पूरी पूरी संख्या होगी, लेकिन यहाँ आप देखो कि जो n का मान है वो एक पूरी पूरी संख्या नहीं है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में कहीं पर भी 184 नहीं आएगा,
तो 184 है वो इस एपी का कोई भी पद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एन का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः इस एपी का कोई भी पद, इस एपी का कोई भी पद 184 नहीं है। आगे बात समझ में ठीक है? तो एक बार देख लो ध्यान से, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमें ये पता करना है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। विभाजित का मतलब उन संख्याओं में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए पहले थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ साइड में समझाता हूँ आप। सबसे पहली जो दो अंकों की संख्या आएगी वो 10 आएगी, क्योंकि 10 से पहले तो जो सभी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, एक एक अंक की होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी में कितनी डिजिट होती हैं, ओनली 1 डिजिट होती है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा 2 डिजिट का वो कौन सा होगा, 10। तो आप बताओ मुझे कि क्या 10 से 7 जो 10 है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 10 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। आप दोगे 10 में 7 का भाग तो कितना बच जाएगा, 3। मतलब 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन भाग तो तब जाता है जब शेषफल कितना बचे, 0। तो यदि मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना पूरा पूरा। मतलब वो वाली जो संख्या है वो 10 से 4 ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 14 होनी चाहिए। और वैसे भी हमें सिंपल सा पता है कि पहली जो दो अंकों की संख्या आएगी वो 7 के बाद में 14 होगी, तो मतलब 14 ही वो पहली संख्या होगी जो 7 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम दो अंकों की 7 से विभाजित संख्या 14 होगी, अतः जो हमारी एपी है क्या हो जाएगी, 14, 7-7 का अंतर आता जाएगा, फिर तो 21, फिर 28, इसी तरह चलती जाएगी। अब हमें देखना है कि लास्ट जो दो अंकों की संख्या है वो 7 से विभाजित दो अंकों की लास्ट संख्या कौन सी होगी। तो एक बार सीधा सीधा आप देखो कि लास्ट दो अंकों वाली जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 99। इसको आप 7 से डिवाइड करो एक बार, ठीक है? तो आप देखोगे 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 728, तो कितना शेष बचा, 1। लेकिन शेष नहीं बचना चाहिए, तो 1 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, तो 1 कम कर दो। तो 99 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 98। तो जो लास्ट नंबर जो होगा 2 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, वो कौन होगा, 98। तो अब हमें ये पता करना है कि जो ये एपी लिखी हुई है इसमें टोटल कितने पद हैं, 14, 21, 28, और लास्ट जो टर्म है वो कितनी है, 98 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एपी का एनवा पद, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 × d, ठीक है? तो यहाँ से ए एन हमें कितना दे रखा है, 98। ए जो फर्स्ट टर्म होती है वो कितनी है, 14, और जो डी सार्व अंतर है वो कितना है, 7। तो रख दो सभी वैल्यूज यहाँ, तो ए एन की वैल्यू 98, ए की वैल्यू कितनी, 14, प्लस एन माइनस 1। तो एन हमें यहाँ से निकालना है कि जो ए पी जो हमने लिखी है इसमें टोटल कितनी टर्म है, मतलब एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो 14 इधर माइनस में आएगा, तो 98 माइनस 14, और ये होगा एन माइनस 1 और इंटू कितना, 7। तो देखिए 94 में से जब 14 माइनस करेंगे, 98 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 84 एन माइनस 1 और इंटू 7। तो 7 को आप इस साइड लेके आओगे तो 84 के किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी 84 डिवाइड बाई 7। तो एन माइनस 1, 7 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, 7 × 1 = 1, 7 × 2 = 14। तो माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 13। मतलब
जो ये एपी लिखी हुई है 14 से लेकर 98 तक, इसमें टोटल कितने पद हैं? 13 हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः दो अंकों की 7 से विभाजित कुल 13 संख्याएं हैं। ठीक है, तो जिसको नोट करना है क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, ऐसे ही आगे तक जा रही है, और इसमें लास्ट में लिखा है 253 का अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इतनी देर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जब हमने निकाला n-वां पद कि इसका 10वां पद बताओ या इसका 50वां पद बताओ, तो हम क्या कर रहे थे, शुरू से निकाल रहे थे। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले इसका मतलब हमें शुरू से निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा है, अंत से पूछा है। कहाँ से पूछा है? अंत से। तो देखो क्या करेंगे, हम हमारी जो एपी लिखी हुई है इसको हम पलट के लिखेंगे। पलट के लिखने का मतलब 253 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद की संख्या, फिर उसके पहले की संख्या, फिर उसके पहले की संख्या, इस प्रकार लिखेंगे, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 3। मतलब जो एपी लिखी है इसको हम इस प्रकार क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो पहले तो आप इसी एपी को देखो, ऐसे लिखो, इसकी पहले की टर्म भी हम लिख लेते हैं। तो 3, 8, 13, यहाँ देखो आगे जा रहे तो 5-5 बढ़ता जा रहा है, मतलब पीछे आएंगे तो 5-5 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 253 से 5 कम कितना होगा, 248, और आगे 253। तो ये हमारी एपी कुछ इस प्रकार से है। तो इस एपी को क्या करेंगे, हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, पलटेंगे। तो एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर तो जब इस एपी को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हमारी जो नई एपी होगी वो किस प्रकार होगी, पहले आएगा 253, फिर आएगा 248, पलट के लिखेंगे ना, तो ये लास्ट वाला नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद का उसके बाद में, इस प्रकार आता जाएगा और ये चलती जाएगी, और लास्ट में 8 और उसके बाद में 3। तो हमारी एपी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो देखो, इसका अंत से हमें 20वां पद पूछा था, तो वही इसका अब शुरू से क्या हो जाएगा, 20वां पद हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इस वाली एपी का शुरू से क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। अतः अर्थात इस एपी का शुरू से 20वां पद ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो बस आगे तो वही जितना हम अभी तक करते हैं, एपी का n-वां पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 20वां पद निकालना है, मतलब ए 20 निकालना है हमें। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253, प्लस एन की वैल्यू यहाँ से 20 माइनस वन, और जो डी सार्व अंतर है, तो देखिए ऐसे सार्व अंतर क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, तो 248 में से 253 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5। आप चाहो तो पहले ये वैल्यू लिख लिया करो, जैसे ए की वैल्यू कितनी है, 253, ए एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है, 20, डी की वैल्यू कितनी है, तो आप निकाल लो 248 माइनस 253, तो आ जाएगा माइनस का 5। तो पहले आप ये वैल्यू साइड में लिख लोगे तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर वैल्यू रखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ए 20, 253 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19, और इनटू माइनस का 5। तो ए 20, 253 प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, माइनस, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 95। तो 253 में से हमें 95 माइनस करना है तो आ जाएगा 158। ठीक है, तो यहाँ से 820 की वैल्यू कितनी आई है, 158। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एपी हमें शुरू में दी हुई थी, ये वाली दी हुई एपी का
अंत से 20वां पद कितना होगा बच्चों? 158 है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट कर लिया आप क्वेश्चन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं हैं वो एपी में है, जिनका जो योगफल है वो तो कितना है? 3 है, तथा जो गुणनफल है वो कितना है? माइनस का 8 है। तो हमें वो तीनों संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन से करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। यदि एपी में हमें संख्याएं माननी हो, जैसे हमें तीन संख्याएं माननी है, यदि हमें तीन संख्याएं माननी हो, सपोज करनी है हमें तीन संख्याएं, तो क्या करना है? पहली संख्या आप ए मानोगे, ए प्लस डी, और इधर ए माइनस डी। तो जब तीन संख्याएं माननी हो तो हम इस प्रकार मानेंगे, बीच वाली संख्या को ए, उसके बाद में ए प्लस डी, और पहले की जो संख्या हुआ है वो ए माइनस डी। तो आप यहाँ से देखोगे इनका सार्व अंतर वो क्या है? समान है। तो तीनों संख्याएं किस में हो जाएंगी? एपी में। देखो इसमें से इसको घटाओगे आप तो क्या होगा? ऐसे ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का डी किसका हो जाएगा? प्लस का। ऐसे यहाँ इसमें से इसको घटाओगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का डी। मतलब सार्व अंतर क्या होगा? समान। ऐसे यदि मान लो हमें पाँच संख्याएँ माननी हो तो हम क्या मानेंगे? बीच वाली संख्या को आप ए मान लो, तो इसके आगे की संख्या ए प्लस डी, इसके आगे की संख्या एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी, ऐसे इसके पहले की संख्या देखेंगे तो ए माइनस डी, और इसके एक पहले की संख्या और देखेंगे तो ए माइनस टू डी। तो इन सभी का डिफरेंस डी आएगा और संख्याएं किस में होंगी? ए पी में। तो यहाँ पर देखो हमें तीन संख्याएं दी हुई हैं, तो क्या लिखेंगे हम? माना वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो हमें दिया हुआ है कि उन संख्याओं का जो योग है, जो योगफल है वो कितना है? 3 है। तो जो संख्याएं दी हुई हैं इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ के लिख दो यहाँ, तो a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, और इनका योग कितना आना चाहिए? 3। तो आप देखें यहाँ से माइनस का डी है और ये प्लस का डी है, कैंसिल आउट हो गया। संख्याओं को इस तरह मानने का कारण यही था कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो? आसान हो। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से होगा 3a और इधर होगा 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा? 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब दूसरी जो कंडीशन हमें दे रखी है वो दे रखी है इनके प्रोडक्ट से, इन तीनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणा है, वो कितना है? -8। मतलब जो गुणनफल दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है? माइनस का 8। तो गुणा कर दो तीनों संख्याओं को, a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए? माइनस का 8। तो आप देखें यहाँ से a माइनस डी और a प्लस डी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही करना है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो b की जगह यहाँ पर क्या है? d है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसके गुणा में कितना है? a, और वैल्यू कितनी? माइनस की 8। तो यहाँ से आप क्या करो, a की जो वैल्यू है 1 वो इसमें रख दो आप, तो क्या करेंगे हम? a इजल टू 1, समीकरण 1 से a इजल टू 1, इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल दो, a इजल टू 1 इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो रखो आप एक की जगह कितना रख देंगे हम? 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस डी स्क्वायर, और 1 की जगह कितना रखेंगे हम? 1, और बराबर कितना है? माइनस का 8। तो देखो 1 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा कैसे रहेगा।
तो ये हो जाएगा एक माइनस डी स्क्वायर और बराबर माइनस का 8। तो आप क्या करो, इस डी स्क्वायर को तो उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और इस माइनस के 8 को इधर ले आओ तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक प्लस 8, ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस के 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो एक तो पहले से उधर और 8 किसका जाएगा, प्लस का। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9। यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस की 3। तो चिन्ह प्लस माइनस का क्यों आता है, क्योंकि देखो डी स्क्वायर है ये 9, तो आप चाहे प्लस 3 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 3 का स्क्वायर करो, वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो इसका मतलब डी की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है और माइनस 3 भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में देखेंगे हम, यदि हम डी बराबर प्लस 3 लेते हैं तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, तो बताओ हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये थी। ए का मान 1 और डी का मान हमने प्लस 3 लिया है, तो एक में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 2, 1 और 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। तो या तो हमारी संख्याएं होंगी माइनस 2, 1 और 4। ऐसे यदि हम डी बराबर माइनस 3 लें तो देखो हमारी संख्याएं क्या होंगी, कौन कौन सी थी हमारी संख्याएं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए का मान तो 1 है, माइनस डी का मान अगली बार हमने माइनस 3 लिया है, 1 और ए प्लस डी का मान माइनस 3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, ये 1, ये प्लस माइनस माइनस, और एक में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2। तो यह हमारी जो संख्याएं हैं वो होंगी 4, 1 और माइनस 2। तो यदि प्लस 3 लेंगे तो माइनस 2, 1, 4, और यदि माइनस 3 लेंगे तो वो संख्याएं होंगी 4, 1 और माइनस 2। तो देखिए हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके पहले तक के हमने हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जितने भी टाइप हो सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है उसके क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। जैसे मान लो कि एक्सरसाइज 5.2 के आपको थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में डाउट है। तो जब हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे का जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें हम एन पदों का योग, जो एपी है उसके एन पदों का योगफल निकालना सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो उससे पहले जितना आपको पढ़ाया गया है वो आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें, वीडियो को बार बार देखें, यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा आप देखें, उससे क्या होगा कि आपके समझ में आएगा और आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। तो ठीक है, नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नोट करना है, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आपके यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।